अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे, ये काले धन, ये बेहिसाबी पैसे, ये बेनामी पैसे कोई न कोई रास्ता खोज करके व्यवस्था में फिर से ला दूं। वो अपने पैसे बचाने के फिराक में गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। दुख की बात यह है कि इसमें भी उन्होंने गरीबों का उपयोग करने का रास्ता चुनने का पसंद किया है। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। जो जनधन खाता गरीबों का भाग्य विधाता बताया गया है वो अब काले मन से बच नहीं पा रहा। नोटबंदी के बाद गरीबों के खाते को काले धन का बैंक बनाने की कोशिश हुई है। आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है, ये सरकार पूरी तरह गरीबों को समर्पित है। ये सरकार गांव को समर्पित है। ये सरकार किसानों को समर्पित है। ये सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सभी हमारे समाज के लोगों को समर्पित है, उनका कल्याण करना चाहता। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने को सरकार भ्रष्टाचार की लड़ाई का ब्रह्मास्त्र बता रही है, जो खास तौर पर गरीबों के लिए बेहद मददगार होगा। लेकिन गरीबों के वित्तीय समावेश के लिए खोले गए जनधन खातों पर भ्रष्टाचारियों की नजर पड़ी है, लेकिन सरकार भी कह रही है कि कानून से बेखबर होना उनकी भूल साबित होगी। तो सवाल यही है कि जनधन खाते को किसने लूटा, ब्लैक मनी से गरीब को किसने किया ब्लैकमेल। नमस्कार। तो अब तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि आर्थिक स्वच्छता के इस महाअभियान में कुछ लोग खुद का दामन बचाने के लिए गरीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट से आ रही है कि जनधन खातों का पिछले 2 हफ्तों में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है, जिसके जरिए काला धन रखने वालों ने अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की है। और ये काम कितने बड़े स्केल पर हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आना पड़ा और उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि भ्रष्टाचारी गरीबों को मोहरा ना बनाए। हम आपको ऐसे लोगों के पास लिए चलेंगे जिनके पास जनधन खाते हैं और जिनसे कुछ भ्रष्टाचारियों ने संपर्क साधा। लेकिन पहले काले मन वालों का खेल कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। जनधन खातों में 14 दिनों में कुल मिलाकर के 27,200 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 23 नवंबर को जनधन खातों में अब तक कुछ 72,834 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। आपको बता दें कि 9 नवंबर को जनधन खातों में 45,636 करोड़ रुपए जमा हुए। इस खेल के बीच एक आंकड़ा और भी जो कि सरप्राइज करता है, चौंकाता है, वो ये कि कुल 25.68 यानी कि 25.68 करोड़ जनधन खातों में 22.94 खातों में जीरो बैलेंस है। अब 16 नवंबर तक सबसे ज्यादा यूपी के जनधन खातों में पैसा था। 16 नवंबर तक यूपी के बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान के खातों में पैसा ज्यादा हो गया। तो आपने जनधन खातों से काली कमाई को सफेद करने का यह जो चौंकाने वाला एक आंकड़ा देखा है कि ज्यादातर खातों में पैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से खाते ऐसे जिसमें बहुत बेताजा हम ये कहें कि धन आता चला जा रहा है। अब आपको कुछ ऐसे ही जनधन खाता धारकों से मिलवाते हैं, देखिए कैसे उनको काले धन वालों ने बरगलाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और कैसे अपने झांसे में लाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जागरूक थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलर्ट के बाद तो कुछ युवा गरीबों को सावधान करने के लिए खुद ब खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं।
ऐसे भी हुआ कि लोग कोई आया आपके पास बोला हमारा पैसा डाल दो अकाउंट में या चर्चा कहीं ऐसी? हाँ, एक जन आए थे लेकिन हमने मना कर दिया। सुना आपने, काले धन को सफेद करने के लिए इस महिला से संपर्क करने की कोशिश हुई थी। कोशिश हुई थी कि उनका जनधन खाता किसी के काले धन का ब्लैक होल बन जाए। लेकिन हर जनधन खाता धारक मुंबई की रीना गुप्ता नाम की इस महिला जैसा नहीं होता। शायद मुंबई जैसे शहर में अपने टेलर पति के साथ रहती है, इसीलिए थोड़ी जागरूकता रही होगी। हाँ, मैं भी बचूंगी, मैं नहीं डाल सकती हूँ किसी अपने खाते में। डर लगता है आपको? हाँ। लेकिन जनधन खातों के दुरुपयोग को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो सरकार के लिए चिंता की बात है। और सवाल ये है कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। 8 नवंबर के नोटबंदी के बाद शुरुआती पहले हफ्ते में ही सरकार को जनधन खातों के दुरुपयोग का अंदेशा हो गया था। इसीलिए वित्त मंत्रालय की ओर से सीधे और सख्त लहजे में कहा गया था कि विभाग किसी भी दुरुपयोग पर कार्रवाई करेगा। आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अपील टू ऑल द जनधन अकाउंट होल्डर्स नॉट टू अलाउ देमसेल्व्स टू बी यूज्ड बाय अदर पीपल फॉर पुटिंग देयर मनी इनटू दीज अकाउंट्स एंड आई वुड अपील टू देम नॉट टू अलाउ देमसेल्व्स टू टू सॉर्ट ऑफ allow themselves to be used by other people to convert their black money into white. So a very close monitoring and a close monitoring of the Jandhan account deposits are also being undertaken. हालांकि सरकार के सामने चुनौती ये है कि जनधन खातों की लूट को बचाने के लिए लोगों को कैसे तैयार करें। शायद इसीलिए जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर ली और अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस बात पर सीधी बात की। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। आप ऐसा कुछ न करें कि रिकॉर्ड पर गरीब का नाम आ जाए और बाद में जब जांच हो तब मेरा प्यारा गरीब आपके पाप के कारण मुसीबत में फंस जाए। जनधन खातों के दुरुपयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलर्ट के बाद विनय सिंह जैसे युवा भी जनधन खाता धारकों को जागरूक करने के लिए आगे आए हैं। मुंबई के उपनगर कांदीवली में रहने वाला ये परिवार भी खुशनसीब है कि वहां भी जनधन खाते से ब्लैक मनी बदलवाने कोई नहीं आया। लेकिन विनय सिंह जनधन खाता धारक कविता सरोदे को ये बताने पहुंचे कि ऐसा कोई शख्स आए तो उसके जाल में मत फंसना। मैं उनको वही सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आंटी जैसे ही उनके बैलेंस में आकर अगर देखेंगे, इन्होंने जनधन के तहत खाता खुलवाया है और 3,500-4,000 रुपये इनके अकाउंट में बैलेंस है। अब मैं उनको वही सिखाने का प्रयत्न करूँ कि कल उठ के कोई भी आएगा आपको बोलेगा भाई आप 2,20,000 डाल दो, हम आपको 20,000 दे देंगे, 2,00,000 आपको बाद में देना, आप बिल्कुल ये काम मत करना क्योंकि देश सुधर रहा है। 500-1,000 के नोट तो हर इतने हम लोग इतने बड़े तो नहीं है कि 500-1,000 लोग आते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई आया नहीं हमारे पास, हम लोग जाएंगे भी नहीं उनके पास। ये तो हुई लोगों को जनधन खातों के दुरुपयोग पर जागरूक करने की बात, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज उन लोगों से कैसे निपटे जिन्होंने जनधन खाते का दुरुपयोग कर लिया है? कानून कैसे अर्थव्यवस्था के स्वच्छता अभियान को गंदा करने वालों से निपटे? इस सवाल का सही जवाब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अहम साबित होगा। मुंबई से नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जनधन खातों को लूट से बचाना चुनौती है क्योंकि जो गरीब जागरूक है उनको तो खतरा नहीं है, लेकिन ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्हें आसानी से लालच देकर या उन पर दबाव डालकर भ्रष्टाचारी अपना काम बना सकते हैं। हम आपको जनधन खातों के लूट की कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि बीते 2 हफ्तों में कैसे कैसे प्रयास किए गए हैं ताकि जनधन खातों को जरिया बनाया जा सके। मध्य प्रदेश के झाबुआ का ये भवन पिल्लिया गांव यूं तो बहुत छोटा है
और यहाँ के लोग बेहद साधारण हैं। लेकिन जब से ये नोटबंदी हुई है, इस गांव के साधारण लोगों को बड़े बड़े लोगों के फोन आने लगे हैं। मिलिए गोपाल परमार से, वो खुद गवाही दे रहे हैं कि उनके जनधन खाते में पैसे जमा करने के लिए कई लोगों ने संपर्क किया और 50% तक के कमीशन का ऑफर मिला। मेरा जनधन का खाता खुला लगभग 1 साल हो गया है और इसमें मैं 1 साल से लेन देन कर रहा हूँ मैं, और अभी मेरे पास भी ये समस्या नोटबंदी को लेकर मेरे पास फोन काफी आए, बहुत से परिचित के फोन आए, लगभग कुछ 4-5 फोन आए, जिनमें से वो मुझे भी कहने लगे कि मुझे आपके खाते में पैसा डालना है, आपका जो परसेंटेज लेना है आप ले लीजिए, और पर मैंने मना कर दिया है इसमें कि बहुत से आगे क्या होगा क्या नहीं, इस बार मैंने सोचा और मैंने उन लोगों को मना कर दिया और कह रहे थे बहुत से कि आप ज्यादा ज्यादा परसेंट लो, 50% भी ले सकते हैं इसमें, तो मुझे ये भी ऑफर दिया गया लेकिन मैंने मना कर दिया है। जी मीडिया को राजस्थान के झुंझुनू के शेखावटी इलाके में भी ऐसे लोग मिले जिनके जनधन खाते को लूट का माल पार्क करने के लिए लालच दिया गया। आया 1,00,000 रुपया ले, और फिर आपको क्या लालच दिया उसने, क्या था खाता में डला दे, फिर कोई कमीशन देने के लिए भी कहा क्या? हाँ। कितना? 50,000। जनधन खातों की आड़ लेने वाले लुटेरे शातिर भी हैं, इसीलिए वो पुलिस प्रशासन से बचने की तरकीबें भी खोजते हैं। यहाँ कई भी लोग आ चुके हैं और शाम को आते हैं, रात को आते हैं और वो पहले पैसों का लालच देते हैं, फिर हमारा मना कर देता है। कई लोग आते हैं। कितना परसेंट तक देते हैं? कम से कम भी 20-50%। क्या कहते हैं वो? बोले आपके बैंक में पैसे डला दो और हमारे आप भी ला के दोगे पैसे, उसमें से आप काट लेना। फिर आप क्या करते हो उसमें? हम मना कर दी साहब, हम नहीं करेंगे ये काम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के झुमकलाल भी इस अनुभव से 2-4 हुए हैं, जब उनके जनधन खाते को किसी ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का जरिया बनाने की कोशिश की। अभी तो कुछ बोल रहे हैं कि जाने बाहर वाले जो काला धन है उनको पैसा देने से इतना मिलेगा परसेंट बोल के बोल रहे कि नहीं, फिर भी जो है वो क्या बोलते हैं, कितना परसेंट? 30% बोल रहे हैं। वो क्या किस तरीके से 30% होगा, पैसे को कौन डालने जाएगा, किस तरीके से होगा? अपने ही डालना है बोल रहे हैं। फिर 30% कौन किसको देगा, कैसे वापस होगा? जो देने वाला है। देश के दूर दराज गाँवों में गरीबों के जनधन खाते में दशकों से कमाई गई लूट की रकम को लीगल बनाने का दुस्साहस तो हो ही रहा है। दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहरों के गरीब भी अर्थव्यवस्था के स्वच्छता अभियान में टारगेट बन रहे हैं। दिल्ली में टैक्सी चलाने वाले सूर्य प्रकाश को भी उनके जनधन अकाउंट में पैसा डालने का ऑफर मिला था। जी बोला था मेरे से, फिर मैंने मना कर दिया, नहीं इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जो है मेरे पास वही रहने दीजिए। जी मीडिया के कैमरे पर आए ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने जनधन खाते के दुरुपयोग को रोक लिया। ये लोग जागरूक हैं, कानून को मानते हैं और सिस्टम को दुरुस्त करने में योगदान करना चाहते हैं। लेकिन कई जनधन खाता धारक आसानी से लालच या दबाव में आ सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि उनके जनधन खाते का दुरुपयोग भी हो सकता है और वो खुद उन्हीं को मुसीबत में डाल देगा। लिहाजा जनधन खातों को भ्रष्टाचारियों से बचाना उतना ही बड़ा काम है जितना 500 और 1,000 के नोट बंद करने का अभियान। झाबुआ से सचिन जोशी, जगदलपुर से अविनाश और झुंझुनू से संदीप केडिया के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। अब सवाल ये है कि इस हालत में सरकार क्या करे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही साफ लहजे में कह दिया है कि कानून अपना काम करेगा। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जनधन खातों के दुरुपयोग की रिपोर्ट के बाद सरकारी मशीनरी कैसे हरकत में आई है। बेनामी संपत्ति का इतना कठोर कानून बना है जो इसमें लागू हो रहा है, कितनी कठिनाई आएगी, और सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देशवासियों को कोई कठिनाई आए। गरीबों के जनधन खातों का दुरुपयोग कर अपनी ब्लैक मनी जमा करने वालों को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी है। जाहिर है कि संकेत दे दिए गए हैं। इस साल से लागू बेनामी ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने वाला नया कानून अब जनधन खातों के लुटेरों से निपटेगा। जनधन खातों के दुरुपयोग की रिपोर्ट्स के बाद से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट
यानी FIU सभी संदिग्ध ट्रांजैक्शन का ब्यौरा खंगालने में जुटा है। FIU ने देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों से जनधन खातों का 9 नवंबर से बैलेंस और ट्रांजैक्शन गतिविधियों का ब्यौरा देने को कहा है। इन खातों का 8 नवंबर तक बैलेंस का ब्यौरा भी मुहैया कराने को कहा गया है। FIU को 20 नवंबर तक का 6 करोड़ खातों का ब्यौरा मिल भी गया है, जिसमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन को अलग अलग एजेंसियों को मुहैया कराया जा रहा है। खासकर आयकर विभाग को FIU की तरफ से कई इनपुट्स मिले हैं। जनधन में जो भी पैसे हैं आप पकड़ के चलिए 80-90% ये उनके नहीं है जिनके अकाउंट है। किसी ने उनको पैसे देके ये पैसे जमा किए हैं कि भाई आप इतने पैसे लीजिए, आपके अकाउंट में जमा कर दीजिए, थोड़े दिन के बाद या तो मुझे विड्रॉ करके नए पैसे दे दीजिए, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसको इनकम टैक्स वाली नोटिस देगी, उनको बुलाएंगे, उनको जस्टिफाई करना होगा कि भाई ये पैसे आए कहां से, आपको सोर्स बताइए और उसको जस्टिफाई कीजिए। हाल ही में आयकर विभाग ने भी बैन कर दिए गए करेंसी नोट से दूसरों के खातों में पैसा जमा करने पर चेतावनी दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि उल्लंघन करने वालों पर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें जुर्माने के साथ 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। जाहिर है कि सरकार के पास जनधन खातों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ औजार तो है, लेकिन जिस पैमाने पर काले धन को सफेद करने का ये खेल हुआ है, उससे सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आज टेक्नोलॉजी बैंकों के पास, करीबन सभी बैंकों के पास टेक्नोलॉजी है इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए। तो वेरी फैक्ट कि उनको बैंकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ रही है, वो उसको पकड़े जाने का डर है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस पे एक्शन लेंगे, तो टेक्नोलॉजी है एक्शन लेने के लिए, डेटा जमा करने के लिए, और विल अगर होगी एक्शन लेने की तो एक्शन इस पे लिया जा सकता है। तो एक्शन लेने की डर की वजह से भी ये कम यूज होगा। जनधन खाते के दुरुपयोग को रोकना बैंकों के लिए भी एक मुसीबत भरा काम हो सकता है। हालांकि बैंक सीधे तौर पर किसी को अकाउंट में पैसा जमा करने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जनधन के आम ग्राहकों को सचेत करने की जिम्मेदारी अब उन पर जरूर आ गई है। सोनल सिंह के साथ राजीव रंजन, जी मीडिया, मुंबई। तो सरकार कह रही है कि वो काले धन की बीमारी दूर करके रहेगी। जनधन खातों के दुरुपयोग के बाद अब सरकार आयकर कानून में कुछ बदलाव कर सकती है, और वो पैसा जिसका स्रोत नहीं बताया जा सका, यानी कि बेनामी जमा धन पर शिकंजा कसने के लिए अब कमर कसी जा रही है। आपको बता दें कि बैंक में जमा बेनामी जमा पैसों पर 50% तक का टैक्स लगता है। टैक्स के बाद बचे बेनामी जमा पैसों को 4 साल के लिए अब जब्त किया जा सकता है। बेनामी जमा की घोषणा खुद न करके 90% टैक्स और जुर्माना भी लग सकता है। कैबिनेट ने इसी हफ्ते आयकर के इन प्रावधानों पर मोहर लगा दी है। अगले हफ्ते संसद में आयकर के नए प्रावधानों को पेश किया जा सकता है, फिर उसके बाद ये बदलाव हो जाएंगे। जनधन खातों में 14 दिन में कुल 27,200 करोड़, अंदाजा लगाइए 27,200 करोड़ जमा हुए। 23 नवंबर को जनधन खातों में अब तक 72,834 करोड़ रुपए जमा थे। आपको बता दें कि 9 नवंबर को जनधन खातों में 45,636 करोड़ रुपए जमा थे। इस खेल के बीच एक आंकड़ा और भी चौंकाता है, जिसका जिक्र हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में भी किया था, वो ये कि 25.68 करोड़ जनधन खाते जो हैं, उनमें से 22.94% जो खाते हैं उनमें बैलेंस जीरो है, उसमें है ही नहीं कुछ। अब 16 नवंबर तक सबसे ज्यादा यूपी के जनधन खातों में पैसा जमा किया गया। 16 नवंबर तक यूपी के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आ गया, फिर राजस्थान के खातों में पैसे सबसे ज्यादा जमा किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिनके पास जनधन खाता है वो किसी के बहकावे में ना आए, यही हमारी सीख है, यही पीएम कह रहे थे।